टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भारतीय इतिहास की श्रृंखला आज हम आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि आपकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम इतिहास के दार्शनिक पक्ष, उसके सांस्कृतिक मूल्यों का, ऐतिहासिक घटनाओं का, क्रांतिकारी चरणों का और किस तरह से मनुष्य ने प्राचीन काल से लेकर के आज तक अपना वैज्ञानिक विकास किया है, रहन सहन में जो परिवर्तन किया है उसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इसमें हम मुख्य परीक्षा के उन बिंदुओं को भी डिस्कस करके चलेंगे जो कि आगामी भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इतिहास को लेकर के विविध अवधारणाएं हैं। इतिहास क्या है मोटा मोटा हम समझ लें। प्राचीन घटनाओं का क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है। वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद जिस तरह से मनुष्य ने अपनी विकास यात्रा प्राचीन काल से लेकर के आज तक की है उसको क्रमबद्ध तरीके से जो लेखन किया गया है उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास क्यों जरूरी है इसको भी जानना है। इतिहास इसलिए जरूरी है कि इससे हमें एक तो मनुष्य की यात्रा, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, कला पक्ष हो, इन सब की हमें जानकारी रहती है। किस तरह से उसने अपने आप को आज 21वीं सदी तक पहुंचाया है, किन चरणों से गुजरा है, किन संघर्षों से गुजरा है, कौन से आंतरिक अंतर्द्वंद हुए हैं, कितनी लड़ाइयां हुई हैं, क्यों हुई हैं, उसके बहुत विविध पक्ष हैं, कैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, कैसे आपके राजनीतिक संस्थाओं का राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनका विकास हुआ है, कैसे आर्थिक संस्थाओं और आर्थिक नीतियों का विकास हुआ है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं, इतिहास में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ये वाला जो टॉपिक रहेगा इसके लिए यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और एआरओ एग्जाम को टारगेट करके हमने वीडियो बनाया है। इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए हम सबसे पहले इतिहास के फादर की हम बात कर लेते हैं। तो हेरोडोटस जो है 484 से लेकर 430 ईसा पूर्व तक इनका समय है और इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। यानी हेरोडोटस जो थे वो यूनान के थे और ये यूनान के प्रथम इतिहासकार थे और भूगोलवेत्ता भी थे। इन्होंने तत्कालीन जो घटनाएं थी, युद्ध थे, उनका उल्लेख अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। इनकी जो पुस्तक है वो क्या है, हिस्टोरिका, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी पुस्तक ये। और चूंकि आरंभ में कोई ऐसे सब्जेक्ट के रूप में तो था नहीं, इन्होंने जो उस वक्त का जो घटा वो लिखा, कैसा कल्चर था, कैसा क्लाइमेट था, उसके बारे में अपनी जानकारी दी। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, यूनान का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि इतिहास अर्थात हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग जो करता है वो हेरोडोटस ही है और अपनी जो पुस्तक हिस्टोरिका में ये क्या करते हैं, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो हिस्ट्री है उन्होंने तत्कालीन जो युद्ध है और उसके जो कारण है उनके परिप्रेक्ष्य में किया है, ठीक है। बाद में इसका विकास होते हुए एज ए सब्जेक्ट के रूप में आज इतिहास स्थापित है, ठीक है। अब यहां देखना है, इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव डाली, यानी विश्व में पहली बार इतिहास लेखन जो किया है विद्वत रूप से किया है, तो उसके पीछे एक ही शख्स है और वो है आपके कौन, हेरोडोटस है। अब हेरोडोटस की अगर हम और बात करें तो तत्कालीन एक और इतिहासकार थे, वो रोमन दार्शनिक भी हैं और उनका नाम है सिसरो। कौन है, सिसरो। और इन्होंने ही जब इनकी पुस्तक को और इनके घटनाओं के विवरण को जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो इतिहास के पिता हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का जो पिता कहा है वो कहा है सिसरो ने, जो कि रोमन एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। साथ ही एक शॉर्टवेल भी तत्कालीन इतिहासकार है और वो क्या कहते हैं, इन्हें पर्सियन युद्धों का होमर कहते हैं। शॉर्टवेल क्या कहा है, पर्सियन युद्धों का होमर, ठीक है। होमर एक राइटर है। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है कोलिंगवुड। कोलिंगवुड ने इन्हें क्या कहा, क्योंकि इन्होंने उस वक्त के जो युद्ध के वास्तविक कारणों का, घटनाओं का, जीवन
पूर्ण बिल्कुल उल्लेख किया है। इसलिए इन्होंने कहा कि हेरोडोटस जो है वो वैज्ञानिक इतिहास के सृजन करता है, किसके वैज्ञानिक हिस्ट्री के, किसके साइंटिफिक हिस्ट्री के क्या जनक है, यह जो कहा वो किसने कहा, कोलिन पोट ने था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इन्होंने जो अपना युद्ध का, जिस युद्ध को लेकर के इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और वो है पेलोपोनेशियन युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इनकी पुस्तक हिस्टोरिका थी जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी पुस्तक में आजकल इंडिया जो शब्द लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में है, इंडिया कांग्रेस और ने एक संगठन बनाया है, एक ग्रुप बनाया है बीजेपी के संगठन के खिलाफ, उसका नाम इंडिया रखा हुआ है, आप जानते हैं, ठीक है। इस इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग यूनानियों ने किया, ये तो सब जगह है, लेकिन किस यूनानी ने किया उसका भी आंसर जाएंगे तो उसका नाम हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इंडिया शब्द भारतीय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया है। तो यह मुझे लगता है आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको विविध पक्षों को समझाते रहेंगे। तो आपसे एक थोड़ा सा निवेदन है कि आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आप हमारे चैनल को, मतलब ये वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, वहां पर हम बहुत मेटल और वीडियो और करंट अफेयर्स डालते रहते हैं। इसी नाम से आपका टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट नियमित रूप से मिलते रहते हैं। तो आप इस वीडियो का आनंद लीजिएगा, इसके बारीक और विविध पक्षों पर ध्यान कीजिएगा, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।